गुड इवनिंग बच्चों, आई एम प्रेजेंट हियर विद एक्सरसाइज ऑन सेशन नंबर सिक्स. सेशन सिक्स, ओके. दिस इज द एक्सरसाइज, यू कैन सी हियर एडिटोरियल सेशन सिक्स एक्सरसाइज. ओके, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड टू डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट we can see that there are synonyms with us and all the words have been given from the editorial. Okay, see the words first. Parameter. What is the synonym of this word? Parameter, expansion, kisi cheez ka vistar, limit, seema, consequence, paridam, or barometer, वायु दाब मापी यंत्र जो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या होगा? इसका सिनोनिम बताना आपको, पैरामीटर का सिनोनिम. पैरामीटर मींस कार्य करने की सीमा. एक जो लिमिट होता है किसी चीज का, वो पैरामीटर होता है. कोई प्रोसेस चल रहा हो तो उस प्रोसेस की जो लिमिट है वो आपकी पैरामीटर है. तो पैरामीटर का सिनोनिम लिमिट. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अपशॉट. अपशॉट मीन्स क्या होगा, कौन सा सिनोनिम यहां पे बेस्ट है? आउटकम, परिणाम, अटेन्यूएट, कमजोर करना, हल्का कर देना किसी चीज के प्रभाव को, बाउंड्री किसी चीज की लिमिट, शाइनेस, क्वाइनेस मीन्स शर्मीलापन. याद है बच्चों, अपशॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में एसएससी के दिया गया था. अपशॉट मीन्स होता है किसी चीज का आउटकम, उसका कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम. तो अपशॉट का जो सिनोनिम होगा वो आउटकम हो जाएगा. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड. दिस इज एनकाउंटर. टेल मी द सिनोनिम एनकाउंटर का. अफ्रंट, मोरोश, कन्फ्रंट और लाइवलीहुड. विच इज द सिनोनिम? Encounter means, you remember, encounter, any incident or accident you have to face with, means aamna saamna hona. To encounter means agar aamna saamna hona, to kya affront hoga? Affront means kisi ko insult karna, apmanit karna. Kya morosh hoga? Jo doleful hai, mournful hai, means gloomy hai, udash hai, dukhi hai, dismal hai. या लाइवलीहुड होगा, आजीविका. या फिर कन्फ्रंट होगा, आमना सामना होना, मुठभेड़ होना, अचानक किसी से मिल जाना. दिस इज एनकाउंटर होना, कन्फ्रंट करना. द नेक्स्ट वर्ड बिफोर अस इज फेटलिटी. फेटलिटी याद है, बोले बच्चों क्या होगा इसका? लाइफ, अपशॉट, कैजुअलिटी और परफॉर्मेंस. अपने से करेंगे, मेहनत करेंगे, चीजें याद होती जाएंगी आपको. आप निश्चित ही पांच सेट जो आपने कर लिए हैं इसके, निश्चित ही आपने कुछ वर्ड्स जाने होंगे. रेगुलर करें आप और देखें किस तरीके से आप बेहतर बन जाते हैं. ये हर एक मुश्किल सह करके भी मैं इन चीजों को मैनेज कर रहा हूं. बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, नेट की प्रॉब्लम आती है, टाइम की प्रॉब्लम आती है, तमाम चीजें आती हैं, फिर भी बच्चों मैं इसे रेगुलर दे रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप निराश ना हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचें कि हाँ कोई है जो आपके बारे में सोचता है. ठीक है, तो फैटल्टी का क्या हो जाएगा? लाइफ तो होगा नहीं, लाइफ मीन्स जीवन होता है. अपशॉट मीन्स अभी आपने पढ़ा, याद है, परिणाम किसी चीज का, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम. परफॉर्मेंस नहीं होगा, परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन, मीन्स जब आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, पोर्ट्री करते हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस होती है. क्या हो जाएगा? कैजुअलिटी. फैटलिटी मीन्स होती है मृत्यु, तो कैजुअलिटी मीन्स भी मृत्यु. जब किसी दुर्घटना वगैरह में कोई मृत्यु होती है तो वो कैजुअलिटी होती है आपकी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका डिस्मल. दिस इज द वर्ड डिस्मल. ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. डिस्मल याद है आपको बच्चों? डिस्मल मीन्स क्या होती है? डिस्मल मीन्स
निराशापूर्ण, निराशाजनक, तो क्या हो जाएगा? ग्लूमी हो जाएगा ना। ग्लूमी मीन्स क्या होता है? निराशाजनक। जब कोई चीज डिसअपॉइंटिंग होती है बच्चों, तो वो आपका निराशाजनक होती है, मीन्स डिसमल होती है। तो अगर डिसमल होती है तो ग्लूमी हो जाएगा। आकरेंस याद है आपको? आकरेंस मीन्स कोई घटना। चीयरफुल, जो हमेशा आपको रहना चाहिए परेशानियों में भी प्रसन्न खुश। डेप्रिशिएट याद है? किसी की निंदा करना, उसे लुक डाउन अपान करना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है हाइपोथेसिस। क्या होगा इसका सिनोनिम, क्या लेंगे आप इसका? बोलिए बच्चों, हाइपोथेसिस का सिनोनिम क्या होगा, जल्दी से बताएं बच्चों कमेंट में। एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेहनत करें, आप हर हाल में बेहतर कर लेंगे। हाइपोथेसिस का कंफर्मेशन होगा, कंफर्मेशन किसी चीज का स्पष्टीकरण, उसे कंफर्म करने का कार्य। स्पेक्यूलेशन होगा, मीन्स विचार परिकल्पना। डिटर्मिनेशन होगा, दृढ़ संकल्प आपका डिटर्मिन होने का कार्य। और डेडिकेशन होगा, मीन्स समर्पण। क्या होगा बच्चों? हाइपोथेसिस मीन्स होता है परिकल्पना, कोई ऐसी चीज जो ट्रुथ से परे हो, सच्चाई से परे हो, एजम्पशन न करता हो उस चीज को, वो हाइपोथेसिस है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? स्पेक्यूलेशन, कोई सोच, कोई परिकल्पना। ओके ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड नाउ। दिस इज बिफोर यू इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का वल्नरेबिलिटी होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, ससेप्टेबिलिटी होगा या प्रोटेक्शन होगा। वल्नरेबिलिटी याद है आपको? किसी चीज की चपेट में आने कार्य, जब आप किसी चीज की चपेट में सहज ही आ जाते हैं तो आप वल्नरेबल होते हैं, याद हो गया होगा। इन्फ्लुएंजा फ्लू को कहते हैं, बुखार को कहते हैं एक तरह से। प्रोटेक्शन संरक्षण, मीन्स एक तरह से किसी चीज के प्रति, किसी चीज से आपकी रक्षा। और ससेप्टेबिलिटी मीन्स होती है भावुकता, संवेदनशीलता जो किसी के अंदर होती है, वो ससेप्टेबिलिटी होता है, क्योंकि वो ससेप्टेबल होता है। तो इम्यूनाइजेशन का अगर प्रतिरक्षा होता है, याद है ना आपको, प्रतिरक्षा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका पैंडेमिक। वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे, याद होता जाएगा आपको। पैंडेमिक का तो आपको आ जाना चाहिए ना। क्या पैंडेमिक का लिमिटेड होगा, लिमिटेड मीन्स सीमित। क्या कैपेसिटी होगा, मीन्स क्षमता कार्य करने की। क्या इनोक्यूलेशन होगा, मीन्स टीकाकरण। या रैम्पेंट होगा, व्यापक, वाइड स्प्रेड, फैला हुआ। क्या होगा बच्चे, समझ गए? पैंडेमिक का क्या हो जाएगा? रैम्पेंट मीन्स व्यापक, जो हर तरफ फैला हुआ। और ये सेकेंड लास्ट वर्ड आपका है ट्रांसफ्यूजन। याद कर लीजिए, इस समय आपके बहुत बार सुनेंगे ये वर्ड आप, क्योंकि जैसे एक तकनीक अपनाई जाए, थेरेपी अपनाई जा रही है प्लाज्मा ट्रांसफर करने की, समझ रहे होंगे आप, तो उसी में वर्ड ट्रांसफ्यूजन यूज किया जा रहा है, मीन्स संचार। जैसे एक व्यक्ति का ब्लड लिया गया, उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, और उसके प्लाज्मा को क्या कर दिया गया, उस व्यक्ति के अंदर डाल दिया गया जो व्यक्ति संक्रमित है। दिस इज ट्रांसफ्यूजन, संचारित करना उसे, ठीक है? तो ट्रांसफ्यूजन का कर लेंगे बच्चों आप, क्या हो जाएगा? ट्रांसफर। कैंपेन क्या होता है? अभियान, जो चुनाव अभियान होता है या सेना का अभियान होता है वो कैंपेन होता है, ठीक है, अभियान होता है। एफिशिएंट कौन होता है? जो कुशल है, जो दक्ष है, योग्य है। और शैंपेन, समझते होंगे, एक प्रकार की शराब होती है, जो बियर वगैरह के, जो खिलाड़ी वगैरह जब कोई टूर्नामेंट, कोई विश्व कप वगैरह जीतते हैं तो आप देखेंगे उन्हें शैंपेन इधर उधर गिराते हुए, देखते हुए कह सकते हैं, या यूज करते हुए कह सकते हैं आप। लास्ट वर्ड है आपका कन्वलसेंट। कोशिश करें, देखें कौन सा वर्ड होगा। रिक्यूपरेटिंग होगा, ट्रांसमिशन होगा, लूजिंग होगा या एनकाउंटर होगा। अगर आपको दिए गए वर्ड की मीनिंग आ रही है तो नॉर्मली आप कर लेंगे। और ये वर्ड की मीनिंग कब आएगी बच्चों? इफ यू आर मेकिंग डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे तो ये चीजें कर लेंगे आप। तो लेट्स सी कि कन्वर्सेंट मीन्स क्या होता है।
कन्वर्सेंट मींस होता है वो व्यक्ति जो बीमार था लेकिन अब वो स्वस्थ हो रहा है, अर्थात अपना स्वास्थ्य वापस प्राप्त कर चुका है, वो कन्वर्सेंट है। तो रिक्यूपरेटिंग भी वही होता है, रिक्यूपरेटिंग, जो दोबारा खोए हुए स्वास्थ्य को या खोई हुई चीज को प्राप्त कर लेता है वो रिक्यूपरेट करता है और वो रिक्यूपरेटिंग कहलाता है। ट्रांसमिशन वही है, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसमिशन मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना। लूजिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा और एनकाउंटर अभी आपने पढ़ा, आमना सामना होना। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है या सजेशन कहिए, एडवाइस कहिए, ये सारे वर्ड्स क्या करें आप तैयार करते जाए, जितने भी वर्ड्स हैं 10-25-50 वर्ड्स तो यही है आपके पास, सारी आराम से आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं और आगे एग्जाम्स में भी चीजें आपके काम हो जाएंगे। ये मेरा 6वां सेट है आपका, यानी एक तरह से सारी सेट्स एक से एडिटोरियल की पहली जो एक्सरसाइज है दूसरी है, आप इसे लेते जाएं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसका पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे डाल ही रहा हूं। एक और चीज है कि ये चीजें जब जहां पे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूं तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है एडिटोरियल क्लास के नाम से, एडिटोरियल से संबंधित, अर्थात सुबह का एडिटोरियल और शाम के एक्सरसाइज एडिटोरियल क्लास में है। वर्ब के कॉन्सेप्ट पे जो है वो वर्ब क्लास में, वर्ब के कॉन्सेप्ट पे प्लेलिस्ट में आप मिल जाएगा। ऐसे चाहे तो शुरू से सारा आप रिवाइज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉमन एरर्स, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे कई चीजें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आपको आ जाता है और पढ़ना भी आ जाता है बच्चों। देखें तो बताइएगा कहां पे एरर है आपके पास। द बेसिक मेट्रिक ऑफ द नंबर ऑफ दोज, यानी उन लोगों की संख्या का जो मूल पैमाना है, रिकवरिंग एज अ शेयर ऑफ कंफर्म्ड इन्फेक्शंस, जो रिकवर कर रहे हैं किस रूप में, कंफर्म इन्फेक्शंस, यानी ऐसे संक्रमणों के शेयर के रूप में जो रिकवर कर रहे हैं, वो चीज इज शोविंग, दिखा रही है इंप्रूवमेंट इन इंडिया, कि भारत में कहीं कहीं क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, सुधार का कार्य हो रहा है। तो बच्चों क्या एरर है, कौन से पार्ट में एरर, विच पार्ट हैज एरर। टेल मी, द बेसिक मेट्रिक ऑफ द नंबर ऑफ दोज, नंबर ऑफ दोज सही है, रिकवरिंग मीन्स दोज के लिए अगर रिकवरी लेंगे तो हु आर रिकवरिंग, ये सेंस आ जाएगा, तो हु आर रिकवरिंग एज अ शेयर ऑफ कंफर्म्ड इन्फेक्शंस, चूंकि शेयर यहां काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसके पहले ए ले लिया गया, सही है, एज के रूप में, एज अ शेयर ऑफ कंफर्म्ड इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस नाउन है, इसके पहले पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव ले लिया गया, ये भी सही आपका है। इज शोविंग, ये दिखा रहा है इंप्रूवमेंट इन इंडिया, कि भारत में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। बोलिए बच्चों क्या गलत है, आप लग रहा है आपको, द बेसिक मेट्रिक ऑफ द नंबर ऑफ दोज, रिकवरिंग एज अ शेयर ऑफ कंफर्म्ड इन्फेक्शंस, इज शोविंग इंप्रूवमेंट इन इंडिया। नो एरर बच्चे, ये जो इज है ना, ये किसके लिए है, द नंबर ऑफ दोज, है ना, द बेसिक मेट्रिक, बल्कि आप ये भी ना ले, आपका जो मूल सब्जेक्ट होगा वो बेसिक मेट्रिक हो जाएगा प्रीपोजिशन से पहले, तो अगर ये है तो भी देखें बेसिक मेट्रिक ले क्या लेंगे आप, इसे लेंगे आप, ठीक है, नो एरर हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको, द परसेंटेज ऑफ रिकवरीज करेंटली स्टैंड एट जस्ट ओवर 25, द परसेंटेज, ध्यान रखिएगा मेरा कल से ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर मेन टॉपिक, यानी पूरे ग्रामर का सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो कल से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जरूर ज्वाइन करें और ये सारी चीजें वहां दिखेगा, आपके काम आएंगी, क्योंकि मैं नहीं दे रहा हूं ये सारे कॉमन एरर्स, मैं आपको एडिटोरियल्स से ही देता हूं, और मेरा ये मानना है बच्चों कि एडिटोरियल्स पेनेशिया है बिल्कुल, जो आपके हर हाल में हर चीज आपका सोल्यूशन देगा, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज मेरी सॉल्व करते हैं, वहां भी मैं आपको पढ़ा के ही एक्सरसाइज कराऊंगा, यानी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरा सेक्शन होगा वो पहले मैं पढ़ाऊंगा पूरा, फिर उस पर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, और वही एक्सरसाइज कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स में सेंटेंसेस दिए गए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहां सब्जेक्ट आपका क्या है पता है,
परसेंटेज, देखिए ऑफ से पहले सब्जेक्ट है द परसेंटेज, और मैंने बताया था द परसेंटेज हमेशा सिंगुलर होता है। तो अगर सिंगुलर होता है बच्चों तो देखिए वर्ब क्या ली गई यहां पे, स्टैंड, गलत है ना, द परसेंटेज ऑफ रिकवरी इज करंटली स्टैंड, ये वर्ब है, यहां वर्ब है तो स्टैंड कैसे होगा, क्या जोड़ना होगा आपको, यस जोड़ना होगा, ठीक है। तो अगर द परसेंटेज ऑफ रिकवरीज करेंटली स्टैंड्स एट जस्ट ओवर 25, इस समय जो रिकवरीज का परसेंटेज है वो 25 से ठीक ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये सामने है आपके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हाउएवर, जो भी हो, आर दैट, वो ये है कि वेदर इट इज रिकवरी और डेथ, चाहे रिकवरी हो या डेथ हो, नॉट ऑल केसेस आर रिकॉर्डेड, सारे केसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उन्हें आंकड़ों में नहीं रखा जाता है, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, कई सारे कारणों से। देखें बच्चों अच्छे से और मुझे बताएं क्या गलत है इस वाक्य में, सोचें, ज्यादा ज्यादा बच्चों को बच्चों बताते जाएं, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी इन वीडियोस का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत नहीं हो पा रहा है, इन्हें फैलना होगा और ये जिम्मेदारी आपकी भी है बच्चों, आपको कहीं कहीं इन्हें लगना होगा, शेयर करते जाएं, अन्य बच्चों को बताते जाएं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े इससे, ठीक है। देखें, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, क्या इसमें वर्ब आई कहीं पे बच्चों, इस क्लास के लिए आगे वर्ब है, नहीं, ये पूरी क्लास यहां पे सब्जेक्ट है बच्चों, तो अगर ये सब्जेक्ट है क्लास तो देखें यहां पे क्या लिखा है, आर, एक क्लास के लिए, एक इन्फिनिटिव के लिए मैं लिख दे रहा हूं, बल्कि देखें शायद अगर आपको याद करना हो तो आप याद कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। देखें, एक कोई भी इन्फिनेटिव होता है, कोई भी जेरंड होता है और कोई भी क्लास, ये तीनों जो चीजें हैं आपकी ना, ये अगर एक है तो हमेशा क्या होंगी, ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो अगर यहां पे एक क्लास आपके पास है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, जो चीज नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है, तो अगर उस क्लास के लिए आर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। दैट के बाद कि वेदर इट इज, इट के साथ इज है, सही है, रिकवरी आर डेथ, इसके बाद यहां पे नाउन का यूज किया गया, रिकवरी और डेथ, नॉट ऑल केसेस आर, केसेस है तो यहां पे आर ही है, सही है, केसेस आर रिकॉर्डेड यहां पे एडजेक्टिव के रूप में, सही है, फॉर, फॉर मींस के लिए या के कारण, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, सही है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है फोर्थ आपका कॉमन एरर के रूप में, बोले क्या गलत है, इट इज देयर फोर इंपरेटिव, यानी इसलिए जरूरी है टू फाइंड, ये पता लगाना, ये जानना, पॉजिटिव केसेस अर्ली, कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उन्हें हम जल्दी प्राप्त करें, जल्दी उनके बारे में जानें, उनका पता लगाएं, एंड असेसिंग द पेस ऑफ रिकवरी एक्यूरेटली, और इस तरीके से फिर जो रिकवरी की रफ्तार है उसे एक्यूरेटली, यानी सही तरीके, सटीक तरीके से हम उनका आकलन कर सकें, असेसिंग कर सकें, क्या गलत है बच्चों, देख लें वाक्य को अच्छे, ये लेवल पे वाक्य मैं दे रहा हूं, जो बहुत इजी भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें आप, सुन रहे हैं बच्चों, देखें, इट इज देयर फोर, सही है, इसलिए इट इज इंपरेटिव, यह आवश्यक है, जरूरी है, इट एक ऐसा होता है जिससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नाउन या प्रोनाउन क्या है, इट के साथ हमेशा सिंगुलर लेते हैं आप, इट इज देयर फोर इंपरेटिव टू फाइंड, इन्फिनेटिव है, ये जरूरी है प्राप्त करना, उद्देश्य बता रहा है ना, तो फिर यहां फुल इन्फिनिटिव टू फाइंड लिया गया, टू फाइंड अ पॉजिटिव केसेस अर्ली, हो गया पूरी एक इन्फिनेटिव फ्रेज हो गई, एंड अब बच्चों देखें एंड के बाद क्या लगा है, असेसिंग, जबकि एंड से पहले आपके पास क्या था, फुल इन्फिनेटिव, और एंड के बाद जो वर्ब है वो क्या ले ली गई, असेसिंग, गलत है, एंड के बाद वही वर्ब की फॉर्म आएगी जो फॉर्म एंड के पहले है, तो अगर एंड के पहले इन्फिनेटिव है तो फिर यहां पर आपका जीरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज कर लेंगे आप,
इसलिए गलत है, इसे भी इन्फिनिटिव बनना होगा। और जब आप इन्फिनिटिव बनाएंगे बच्चों तो वाक्य क्या हो जाएगा, मतलब ये शब्द क्या हो जाएगा, असेसिंग के बजाय हो जाएगा असेस, ये हो जाएगा। यानी इट इज देयर फॉर इंपरेटिव टू फाइंड, सही है, टू फाइंड पॉजिटिव केसेस अर्ली एंड असेस द बेस्ट हो जाएगा। अगर मन में आया सर टू असेस क्यों नहीं ले रहा आप, क्योंकि एंड के बाद आप टू ना ले, क्योंकि एंड के पहले ऑलरेडी आपको टू दिया गया। जैसे कोई वाक्य ऐसे एग्जाम में आपको दिया जाए, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड टू गिव इट, दिस इज रॉन्ग। एंड के पहले बच्चों आपने देखिए क्या लिया है, फुल इनफिनिटिव ना, टू टॉक, सॉरी यहां पे, सॉरी वेरी सॉरी, ये टू तो प्रीपोजिशन है, यहां पे है टू टॉक मीन्स प्रीपोजिशन है। तो एंड के बाद फिर से आपने पूरा लिया, सर ये इन्फिनेटिव है आपका ना टू टॉक, तो एंड के बाद फिर से आपने लिया फुल इन्फिनिटिव, ना ले, इस टू की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एंड के बाद जो गिव ले रहे हैं उस गिव के लिए टू कॉमन काम करेगा, यानी टॉक के लिए भी टू यूज हो जाएगा और गिव के लिए भी, ठीक है। तो फिर यहां पे आपको असेसिंग नहीं असेस हो जाएगा, क्योंकि एंड से पहले, एंड से पहले आपने टू फाइन लिया है, तो फिर यहां पर आपको इन्फिनेटिव ही यूज करना होगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, बोले बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं, हैव मेड अ कंट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन एक नाउन यहां सिंगुलर है, तो उसके लिए ए ले लिया गया, अ कंट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स, पहले तो बच्चों यहां पीपल्स मेरी गलती है, मैं हटा दू यहां पीपल्स की कोई आवश्यकता नहीं, राष्ट्रों की बात नहीं कर, लोगों की बात की जा रही, आ पीपल हु हैड द वायरस बट डाइड फ्रॉम अनरिलेटेड कॉज, यानी जिन्हें वायरस था लेकिन वो अनरिलेटेड कॉजेस के द्वारा उनसे क्या हो गए, मर गए, क्या गलत है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया, मैं अपेक्षा करूंगा, आशा करूंगा बच्चे आप कमेंट्स में जवाब दें कि यहां पे क्या गलत है, अच्छे से वाक्य को पढ़ें और बताएं मुझे क्या गलत है यहां पर, बोले बच्चों आ रहा है समझ में, देखें डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड, द तो सही यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और हैव किसके लिए है, डॉक्टर्स के लिए सही है, हैव के बाद मेड है वर्ब के थर्ड फॉर्म, सही है, अ कंट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन जो कि सब्जेक्ट, सॉरी इसका जो नाउन है वो सिंगुलर है इसलिए ए ले लिया गया, अ कंट्रास्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल, सही है, पीपल के लिए हु भी सही है, हु के साथ हैड द वायरस, जिनके अंदर वो वायरस था वो भी सही है, द वायरस भी सही है, बट भी सही है, डाइड फ्रॉम, सही है क्या, नहीं सही बच्चे, मैं चाहूंगा आप एक चीज देख लें, वैसे आगे शायद मैं आपको पढ़ाऊं भी, लेकिन देख लें, डाइड ऑफ सम डिजीज, और भी बल्कि जोड़ने बच्चों यहां पे, हंगर, स्टारवेशन, शेम, थर्स्ट, यानी कभी भी कोई किसी बीमारी से मरे, रोग से मरे बच्चों, भूखमरी से मरे, शेम यानी शर्मिंदगी से मरे, थर्स्ट प्यास से मरे, तो फिर उसके साथ हमेशा क्या लगाइएगा बच्चों, ऑफ लगाइएगा, ठीक है, लेकिन डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, अगर कोई बहुत अधिक शराब वगैरह पी लेता है, बहुत अधिक भोजन वगैरह कर लेता है, तो वहां क्या लगा लें बच्चों, डाइड फ्रॉम लगा लें, ठीक है, और अगर आप लेना चाहें डाई इन एन एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट वगैरह मेरे तो डाई इन हो जाएगा,
अगर कोई यहां मरता है बैटलफील्ड में यानी युद्ध के मैदान में तो भी डाई इन का प्रयोग करें। अगर कोई डाई थ्रू नेग्लिजेंस अपनी लापरवाही से मरे तो डाई के साथ क्या लगा लें, थ्रू लगा दें। डाई बाई कमिटिंग सुसाइड, कोई सुसाइड करके मरे तो डाई बाई लगा लें, डाई बाई कमिटिंग सुसाइड या डाई बाई वायलेंस, कोई हिंसा से मरे तो वहां डाई बाई लगा लें। ये याद कर लीजिएगा, आपको और मिल जाएगा अगर पढ़ना चाहेंगे, बट डाई का अक्सर डाई ऑफ दिया जाता है। तो अगर आप यहां पे अभी वाक्य देखें, अगर यहां पे डाइट फ्रॉम लिखा है, हम तो रोग की बात कर रहे हैं ना, वायरस वगैरह की, तो यहां डाई फ्रॉम नहीं होगा बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, डाई ऑफ हो जाएगा। तैयार कर लेंगे, काम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, और तुरंत आना चाहिए आपको। द कंपेरेटिवली लोअर डेथ रेट, मैं दोबारा आपको दे रहा हूं इसी तरीके का वाक्य, वहां मैंने रिलेटिवली आपको दिया था, बट मैंने समझाया था कि कंपेरेटिवली और फेयरली और उसमें व्हाट रिलेटिवली के साथ कभी भी बच्चों कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल न करें। यू कैन नॉट यूज कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो दिस कैन नॉट है, आपको यहां पे क्या यूज करना होगा, लो, द कंपेरेटिवली लो डेथ रेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। आपको द एब्सेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, यानी हॉस्पिटल्स में जो लार्ज नंबर ऑफ सीवियरली डिस्ट्रेस्ड पेशेंट्स, बहुत अधिक बीमार या परेशान जो पेशेंट्स हैं, स्टैंड इन कंट्रास्ट, बिल्कुल विपरीत हैं टू द एक्सपीरियंस, उस अनुभव के विच वी कैन फाइंड अब्रॉड, जो अनुभव हम कहां पा सकते हैं, विदेशों में पा रहे हैं। क्या गलत है बच्चे यहां पे, आ रहा है समझ में? सब्जेक्ट बच्चों आपका प्रीपोजिशन से पहले होता है, प्रीपोजिशन के पहले आपका सब्जेक्ट क्या है, द अब्सेंस। तो पहले देख लिया करें कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कार्य कर रहा है कि नहीं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट द एब्सेंस है तो द एब्सेंस के साथ बच्चों स्टैंड कैसे आएगा, द एब्सेंस तो सिंगुलर है तो स्टैंड नहीं होगा, ऊपर की तरह यहां भी क्या हो जाएगा, स्टैंड्स हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिएगा बच्चों, रेगुलर एक्सरसाइज करें, विश्वास आएगा आपके अंदर धीरे धीरे। यर्थ क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, देख लें बच्चों और बोलें क्या गलत है। आप यर्थ क्वेश्चन में द जॉन्स हॉपकिंस डेटाबेस गिव्स द फैटलिटीज पर 100 कंफर्म्ड केसेस एज 15.7% फॉर द यूके एंड द बेल्जियम। द जॉन्स हॉपकिंस डेटाबेस जो है वो क्या, वो आंकड़ा देता है, क्या डेटाबेस देता है, वो देता है कि 100 में से 15.7% लोग यूके में और बेल्जियम में मर जा रहे हैं। गलत क्या है बच्चों, समझ आ रहा है, गलत एक आर्टिकल की गलती यहां पे बच्चों। यूके में किंगडम यूज किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स यूज किया गया है, चाइना में रिपब्लिक यूज किया गया है। तो जिन देशों के या संगठनों के या राज्यों के साथ कहीं पर रिपब्लिक या किंगडम या स्टेट्स लगा होता है उसके पहले तो आप द लगाते हैं, नहीं बेल्जियम के पहले ऐसी कौन सी मजबूरी आपकी थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बेल्जियम तो एक देश का ऐसा है जिसके साथ ऐसे कोई वर्ड तो जुड़े नहीं है। यू कैन नॉट यूज द हियर, दिस इज वेरी माइन्यूट एरर। ओके, लेट्स गो अहेड, नाइन्थ क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देर आर मेनी हाइपोथेसिस फॉर द लेस डेसिमल आउटकम इन इंडिया बट इट रिमेन्स अनटेस्टेड। देखें बच्चों बोले क्या गलत है, भरोसा करें अपने आप पर, अभी अगर कम चीज समझ में आ रही हो रेगुलर प्रैक्टिस करें बच्चों, आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा आपको। वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे, जहां चाह है वहां राह है, लेकिन
डेडिकेशन की जरूरत है, ऑनेस्टी की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है और अपने टीचर पर विश्वास की जरूरत है। चलिए बच्चों, ये तो सही है ना, देर आर मैनी हाइपोथेसिस, मैनी है तो हाइपोथेसिस को देखे, थेसिस बना दिया गया प्लूरल। फॉर द लेस डिसमल आउटकम इन इंडिया, यानी भारत में जो कम निराशाजनक परिणाम है उसके लिए सही है, बट इट रिमेन्स अनटेस्टेड। बच्चों अगर इटल आपको याद हो, ये इट है किसके लिए, इट इंडिया के लिए तो लगा नहीं है कि इंडिया का अनटेस्टेड अभी बचा रह गया है, ये इट किसके लिए है, हाइपोथेसिस, मैनी हाइपोथेसिस। अगर ये इट मैनी हाइपोथेसिस के लिए है तो बच्चों इट कैसे होगा, क्या होगा यहां पे, हाइपोथेसिस का प्रोनाउन क्या हो जाएगा बच्चों, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, तो दे रिमेन हो जाएगा, दे रिमेन अनटेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, देख लें, द पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी फॉर कोविड 19 हैज टू शार्पली फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल टू डिटरमिन देयर इन्फेक्शन स्टेटस। मैं बोल दे रहा हूं, देख लें, द पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी, यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेटजी है फॉर कोविड 19 हैज टू, सही है, स्ट्रेटजी के लिए हैज टू लगाएगा, हैज टू शार्पली फोकस, हैज टू और फोकस के बीच में शार्पली लगा गया एडवर्ब ऑफ मैनर, फोकस के साथ क्या लगाया जाता है, ऑन, सही है, तैयार कर लीजिएगा, फोकस ऑन होता है, फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल, सही है, फोकस ऑन, ऑन के बाद प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन है, वर्ब प्लस आईएनजी, हेल्पिंग पीपल आ गया, टू डिटरमिन, यहां गलत है बच्चों, मैंने कल बोला था, कल मीन्स एडिटोरियल में आज के, कि हेल्प है, चाहे सी है, चाहे नोटिस है, चाहे वॉच है, चाहे फील है, ये ऐसी, चाहे मेक है, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद जब ऑब्जेक्ट आता है और फिर जब आप कोई वर्ब लेते हैं एक्टिव वॉइस में तो फिर वो टू नहीं ले सकता है बच्चों, यहां डिटरमिन से पहले टू की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर ये प्रश्न आपको कम समझ में आया होगा बच्चों, जहां तक मुझे लग रहा है, मैं चाहूंगा मैं जल्दीबाजी करने के बजाय बता दूं आपको, देख लें ये वाक्य, देखें मैंने बताया था आपको लेकिन अब भूल गए शायद, आई सा हिम टू गो, सही है ये, गलत है बच्चों, एक्टिव वॉइस का वाक्य है ना, जब भी आप सी का प्रयोग करें, फील का प्रयोग करें, नोटिस का प्रयोग करें, वॉच का प्रयोग करें, मेक का प्रयोग करें, तो इनके साथ फुल इन्फिनेटिव न लें, ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों, इस ऑब्जेक्ट के बाद फुल इन्फिनेटिव न लें, यानी यहां टू क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, वैसे यहां हेल्पिंग था ना, हेल्पिंग पीपल, और फिर देखिए टू डिटरमिन आ गया, ये जो टू है इसकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट में बढ़ते हैं जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, दिस इज बिफोर यू, बोले बच्चों, देयर आर मेनी हाइपोथेसिस, सही है क्या, गलत, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपो जब मेनी आपने लिया ना तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है, ये कॉमन हो गया था यहां पे, There are many hypotheses for the less decimal outcome in India based dash the impact of climate. देखिए पढ़ाती पढ़ाती बहुत समय हो गया तो मैं अपना एक्सपीरियंस यूज करता हूं, क्या चीजें आपके एग्जाम्स में काम आएंगी, अगर यहां देखें तो याद कर लें, बेस्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, बेस्ड के साथ, काउंट के साथ, डिपेंड के साथ, रिलाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, याद है बच्चों आपको, बेस्ड आन होता है, बेस आन मीन्स निर्भर होना, आधारित होना, आश्रित होना, ठीक है, तो बेस्ड आन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने प्रीपोजिशन का ही आपको दिया है बच्चों, बोले क्या गलत है दूसरे में, नेशनल डेटा ऑन अदर पैरामीटर्स अपीयर सिमिलर डैश डिजीज ट्रेंड्स, जिस चीज के समान कोई चीज होती है, सिमिलर होती है, तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेंगे आप, याद है आपको, आप में ज्यादातर बच्चों के मन में शायद आ रहा होगा सिमिलर विद, नहीं बच्चों, फैमिलियर विद होता है, सिमिलर विद नहीं होता है,
सिमिलर टू होता है, सिमिलर टू समथिंग, यहां सिमिलर टू हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पर है आपका, ये आपका भी प्रीपोजिशन पर ही है। एमंग द कंट्रीज मूविंग टू अ मास टेस्टिंग स्ट्रेटजी आफ्टर अ मेजर लॉकडाउन एंड सक्सेसफुल कंट्रोल, तो कंट्रोल के साथ यहां कौन सी चीज आएगी, किसी चीज पर नियंत्रण अगर आपको करना है तो कंट्रोल क्या होगा बच्चों, कंट्रोल ओवर होता है, किसी चीज पर नियंत्रण प्राप्त, ऐसे प्रीपोजिशंस देखते जाएगा। फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप सारे सेट्स तैयार करते जाइए शुरू से, हफ्ता में 10 दिन में एक दिन रिवाइज करते जाइए। मैं कोशिश करूंगा शनिवार का जो दिन आपका है वो शाम को 6 से 7 मैं आपको जो पढ़ाया रहूं 4-5 दिन 6 दिन वो मैं क्या करा दूं आपको, पूरा रिवाइज करा दूं, ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या ये सही रहेगा, अगर शनिवार का समय मैं आपके रिवीजन के लिए दे दूं, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा था लेकिन रिवीजन मैं करा दूं आपको, यहां इतना पोर्शन आपका तैयार है कि नहीं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेशन हमारे सामने है जो मैंने पिछली बार भी कराया था, मैच द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, जो बच्चे कम समझ रहे हो, ये जैसे 5 मैंने क्या दी फ्रेजल वर्ब्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारी ये फ्रेजल वर्ब्स जो पिछली भी 5 मैंने दी थी आगे भी मैं दे दूंगा आपको, ये 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं, हर फ्रेजल वर्ब के सामने मीनिंग्स लिखी हुई है लेकिन वो मीनिंग्स जो है वो अरेंज नहीं बच्चों, यानी उनके सामने जरूरी नहीं कि उनका आंसर हो, तो आप बस मैच करा दीजिए। जैसे एक फार है तो एक फार का क्या होगा यहां पे, ये देखना है आपको, तो अगर आप जानते हो एक फार मीन्स क्या होता है, अकाउंट फार मैंने बताया था आपको, एड ऑन अगर आप जानते हो, आस्क अराउंड जानते हो और एड अप टू जानते हो तो बता दीजिए, नहीं जानते हो तो आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हूं ना, यही कहेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा तो वहां से आप क्या कर लें इसको तैयार कर लें। आप जैसे एक फार का क्या चुनेंगे, मैं बोल रहा हूं एक फार मीन्स होता है किसी चीज के लिए बहुत तरसना, बहुत व्याकुल रहना। बच्चों मैं बता दूं कि जो एक फार होता है सेम वही चीज देखे ये भी होता है बच्चों, ठीक है, तो आप जान लीजिए, बस मैं बताने के लिए आपको दे रहा हूं, एक फार इज इक्वल टू क्रेप फार, क्रेप फार इज इक्वल टू पाइन फार, पाइन फार इज इक्वल टू लॉन्ग फार, लॉन्ग फार, ठीक है, और यानी एक फार, क्रेप फार, पाइन फार, लॉन्ग फार, और अगर आप कहिए तो मैं एक और यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं बच्चों में, चलिए छाड़ दिया, देख यहां आ गया आपके सामने, तो चलिए कहां लिख दूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये क्रेप फार, पाइन फार, लॉन्ग फार और एक फार, और एक क्या होता है बच्चों याद है आपको, यन फार, इन 5 मीन्स एक ही होता है, एक फार, क्रेप फार, पाइन फार, लॉन्ग फार और यर्न फार, इन 5 मीन्स क्या होता है, किसी चीज के लिए तरसना, तड़पना, व्याकुल रहना, लालायित रहना, तो क्या हो जाएगा एक फार का पूरा खोजें, इक्वल होगा नहीं, आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन नहीं, स्ट्रांग डिजायर फॉर समथिंग बिल्कुल होगा ना, किसी चीज के प्रति बहुत अधिक इच्छा, लालायित रहना, बहुत अधिक तरसना, तड़पना, तो एक फार का क्या हो जाएगा सी हो गया, यानी इसका ऑप्शन अगर हम मिला लें यहीं पे तो एक फार का हो गया सी, तड़पना, तरसना। अकाउंट फार आपको याद होगा हिसाब देना, किसी चीज को आंकड़ा वगैरह लगाना, ये अकाउंट फार होता है, तो क्या होगा इक्वल नहीं, आस्क मेनी पीपल नहीं, स्ट्रांग तो हो गया, टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रिकॉर्ड सही है, आंकड़ा देना, हिसाब देना, तो अकाउंट फार का ये हो गया आपका डी का। एड ऑन क्या होता है, अगर आप डिश टीवी वगैरह आप चलाते हो तो आपको याद होगा आप एड ऑन्स लेते हैं, यानी जो आपका कैलकुलेशन है उसमें अलग से भी आप कुछ चीजें जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा देख लीजिए, इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, तो एड ऑन का क्या हो गया ई हो गया आपका। फिर आस्क अराउंड, देख के भी समझ सकते हैं, आस्क अराउंड अपने आसपास के लोगों से पूछना, तो क्या हो जाएगा बच्चों आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन, तो आस्क अराउंड का हो गया आपका बी, और अंतिम तो अपने आप हो जाएगा। एड अप टू मीन्स होता है इक्वल, समान होना, बराबर होना, तो एड अप टू का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऐसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसका मैंने दूसरा भी तरीका आपको याद करने समझाया।
कि मैंने क्या किया, इनके एग्जाम्पल्स दे दिए सारे के, देखे पांचों के, ठीक। अब आप देख लें कि इनमें से क्या हिंदी अब आप बना ले रहे हैं। यू हैव टू एड द वेट ऑन टू द प्राइस, सही है। एड ऑन, याद है, एड ऑन कैलकुलेशन में क्या कर लेना, जोड़ देना, यानी यू हैव टू एड द वेट ऑन टू द प्राइस, यानी जो कीमत है उसी में वैट को भी आपको क्या कर लेना होगा, एड ऑन कर लेना होगा, जोड़ लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज बीन एकिंग फॉर सम लिकर, याद होगा लिकर में शराब होती, मिस्टर शराब, तो वह शराब के लिए एकिंग फॉर मीन्स क्या हो रहा है, बिल्कुल तरस रहा है, तड़प रहा है, मर जाना चाहिए उसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट वाक्य देखें। आई आस्क अराउंड, मैंने आसपास लोगों से पूछा, सेम प्रश्न पूछा, बट नोबडी हैड सीन माय वॉलेट, किसी ने भी मेरे वॉलेट को नहीं देखा था। तो आस्क अराउंड, आसपास लोगों से पूछना। योर परचेजेस एड अप टू रुपीज 500, यानी आपकी जो खरीदारी है उस खरीदारी, वो खरीदारी समान है कितने के, 500, यानी 500 रुपए की आपने खरीदारी के लिए इसका योग इतना निकल रहा है। और आई हैड टू अकाउंट फॉर एवरी पेनी आई स्पेंट, पहले मैंने बताया था मुझे हर एक पेनी जो मैं खर्च किया उसका मुझे क्या करना पड़ा, हिसाब देना पड़ा, ठीक है। बढ़िया तरीका बच्चों, इस तरह आपको याद हो जाएगा दो बार अगर आप इसे तैयार करते हैं, और इस सेकंड लास्ट में उसी तरह, लेकिन ये इडियम को मैच करना है। बोले बच्चों, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कई बार एग्जाम में दिया गया आपको, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या होगा इसमें से, बीट अराउंड द बुश का क्या होगा, कॉल इट अ डे का क्या होगा, कटिंग कॉर्नर्स का क्या होगा, और अ डाइम अ डजन का क्या होगा। बताइए बच्चों, ऐसे एक्सरसाइज कहां मिलेगी, एक तरह से आप पूरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। सोच देखें, कॉमन एरर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इडियम्स है, व्हाट फ्रेजेस है, मींस फ्रेजल वर्ब्स आपके हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट आपको मिलेगा आगे, सारी चीज धीरे धीरे मैं मेंटेन कर रहा हूं आपके, ठीक है। बस आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए आप। तो बोले बच्चों, अ ब्लेसिंग डिस्गाइज का क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो शुरू में आपको खराब लगती है लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपके लिए बहुत लाभदायक थी। देख लें क्या होगा, समथिंग वेरी कॉमन, नहीं, डूइंग समथिंग पुअरली, नहीं, अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, शुरू में जो आपको खराब लगा था लेकिन बाद में आपके लिए बहुत अच्छे हो। जैसे मान लीजिए आप मेरे को पसंद न करते हो शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चला कि संतोष सर के द्वारा पढ़ाई गई चीजें एग्जाम से बहुत सारी मिल गई, तो मैं आपको अच्छा लगने लगूंगा, तो मैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जाऊंगा। तो अ ब्लेसिंग डिस्गाइज का हो जाएगा अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। बीट अराउंड द बुश, समझते हो, किसी बात को घुमा फिरा के कहना, मीन्स सीधे सीधे न बोलना, यही ना। तो बीट अराउंड द बुश का, समथिंग वेरी कॉमन, नहीं, डूइंग समथिंग पुअरली, नहीं, अ गुड थिंग, नहीं, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, नहीं, अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन, जो आप कहना चाहते हो उससे कहने से बचना, यानी उसे घुमाना फिराना, इधर उधर की बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे, इंपॉर्टेंट है बच्चों, कार्य को उस दिन के लिए क्या कर देना, समाप्त कर देना, बिल्कुल इजी है। कॉल इट अ डे का क्या हो जाएगा, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। कटिंग कॉर्नर्स का क्या होता है, कोई कार्य खराब तरीके से करना, क्योंकि आपको समय बचाना है, पैसे बचाने, ऐसा लाइफ में बहुत होता है, यू आर इन्वॉल्व्ड इन कटिंग कॉर्नर्स, तो कटिंग कॉर्नर्स का हो जाएगा डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम आर मनी हो जाएगा। और लास्ट अपने आप कर लेंगे, अ डाइम अ डजन मीन्स कोई तुच्छ चीज, बहुत सस्ती जिसकी कोई वैल्यू ना हो, तो अ डाइम अ डजन मीन्स समथिंग वेरी कॉमन। और ये बिल्कुल लास्ट सेगमेंट मेरा है आपका बच्चों, जल्दी से देख ले और बता दे मुझे आंसर क्या होगा, ये चैलेंजिंग रहता है लेकिन अभी मैं मॉडरेट लेवल पे दे रहा हूं। बोले कौन सा आंसर लेना चाहेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट में, पहला जो आपका पार्ट है वो रहेगा पी क्यू आर एस को, उसके बाद आपको में से जोड़ना है आपको। बोले बच्चों देख लें, समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ डेथ्स ये तो होगा ही, क्लूज देखें बच्चों, अगर आप कुछ नहीं समझ पाते क्लूज देखें, और ये देखें कि सब्जेक्ट वाला पोर्शन हमारा सबसे पहला कौन सा होगा, अगर वो न समझ में आए तो हाँ इस पोर्शन के बाद ये पोर्शन होगा,
और फिर उसे ऑप्शंस में मैच करने की कोशिश करें तो कुछ चीजें आप पीक्यूआरएस में बेहतर कर सकते हैं। क्या यहां आपको समझ आ रहा है कि अननोन फैकल्टीज सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं, या देयर कुड बी सब्जेक्ट होगा, या आउटसाइड हॉस्पिटल से तो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए नॉर्मली, कॉज्ड बाय कोविड 19 तो नहीं होना चाहिए, दो में से एक होगा, अननोन फैकल्टीज सब्जेक्ट हो सकता है या देयर कुड भी हो सकता है। तो अब आप क्या लेना चाहेंगे? अगर ये आपकी दिक्कतें हैं, कुछ और क्लूज देखें बच्चों जहां आपको शायद कुछ जुड़ सकती हैं। बोले बच्चों, क्या कुड बी हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन वर्ब ही आएगी ना? क्या देयर कुड बी के बाद अननोन फैकल्टीज हो सकता है? देख लें, अननोन तो है ही वर्ब यहां पे आपके। क्या आउटसाइड हो सकता है? कतई नहीं, आर तो कतई नहीं होगा। देयर कुड बी कास्ट बाई कभी नहीं हो सकता है आपका। यानी अगर हम क्यू को पहले लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, देयर कुड बी अननोन फैकल्टीज हो सकता है क्या? होगा, तो फिर क्यू के बाद क्या ले लिया आपने? पी ले लिया। अगर क्यू के बाद पी लिया, देखे कितने में है, ए में नहीं है, मैटर फिनिश करें। क्यू के बाद पी है यहां पे, देख लें, क्यू के बाद पी यहां भी है, और क्यू के बाद पी आप तो मुश्किल है आपके बाद। तो क्यू के बाद पी के बाद एक और सेक्शन देखते हैं, देयर कुड बी अननोन फैकल्टीज। फैकल्टीज के बाद क्या आएगा? फैकल्टीज के बाद आउटसाइड हॉस्पिटल्स आएगा या कॉज्ड बाई कोविड 19 आएगा? फैकल्टीज आपको याद हो गया, मौतें, मृत्यु। तो कौन सी मौतें? कास्ट बाय कोविड 19, जो मौतें किसके कारण हुई थी? कोविड। यानी आपको क्यू पी और एस पर पैटर्न पर चलना है। तो यहां तो है नहीं, क्यू पी आर यहां पर है, यहां क्यू पी एस है, है? अब हम क्यू पी आर देख लेते हैं। देयर कुड बी अननोन फैकल्टीज आउटसाइड हॉस्पिटल्स कास्ट बाई कोविड। वो हॉस्पिटल्स तो कोविड 19 कारण कास्ट बाई है नहीं, नॉर्मली यहां सेंस तो है नहीं एडिटोरियल में, इसलिए आपका जो आंसर होना चाहिए बच्चों बेस्ट, वो क्या होना चाहिए? क्यू पी एस आर आपको होना चाहिए। ये वाक्य अच्छे सेंटेंस अरेंजमेंट का अच्छे से पूरा वो सेंटेंस देखिएगा, और फिर अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट में मेरे से बोलिएगा। जो भी आपके दिक्कतें हो कमेंट में जरूर शेयर करें। ये एक प्रयास है बच्चों जो रेगुलर शनिवार के अलावा, ये रेगुलर कंटिन्यू रहेगा, लेकिन शनिवार को भी अब मैं टोटल रिवीजन का मन बना चुका हूं, ताकि जितना मैं पढ़ा रहा हूं चीजें आप क्या करते जाएं, रिवाइज करते जाएं, ताकि आप बच्चों की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। कोई दिक्कत हो, कोई शिकायत हो आपकी, मेरे से जरूर कहें बच्चों, मैं हर हाल में आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।